जब विपत्ति में जब फंस जाए, पीताम्बर जी जब विपत्ति में जब फंस जाओ और विपत्ति के समय खड़े हो जाए, वही तुम्हारी पत्नी, वही तुम्हारा भाई, वही तुम्हारा माँ, वही तुम्हारे पिता, वही तुम्हारे मित्र हो सकते हैं। और विपत्ति के समय अगर साथ छोड़ दिए तो समझ लो ये धन के लोभ में हम सब रहे, मायाओं में फंसे रहे, दुख में साथ नहीं दिया। आप उस सत्य कहे मेरे भाई बहन, आप सब कहते हैं ना समय ही तो बताऊ, समय ही तो बताऊ, दूसरे के लिए हम समय की बातें करते हैं। हाँ लोकनाथ जी, समय ही तो मैं बताऊ थोड़ा, हम बोलते हैं ना भाई, जब हम चार खूर के बेड में, खटिया में जब पड़ जाएंगे, खाट में जब पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल में जब एडमिट होंगे, तब डॉक्टर के पास जब हमें ले जाएंगे और डॉक्टर कहेंगे आपको, आप पूछेंगे कि भैया वो कैसे हैं, तब डॉक्टर क्या कहेगा पता है? भैया इनका समय आ गया है, अब ले जाओ। आप समय देख रहे थे, समय आए तो मैं बताऊं, समय आए तो मैं बताऊं, डॉक्टर ने तुम्हारा समय बता दिया, अब समय आ गया है, लेके चले जाओ। दूसरे के लिए क्या समय देखते हो प्यारे? दूसरे के लिए क्या समय देखोगे? गोविंद आपका समय देख रहा है। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल भरी की हो चाहे, पत्नी वही है, पत्नी वही है जो सिंदूर तो लगा लेवे ठीक है, लेकिन जो नारी पति के दुख के समय खड़े हो जाए ना माई भाई, वो तुम्हारी पत्नी है। पति वही है जो पत्नी के दुख और सुख में साथ दे। अरे धन नहीं चाहिए पत्नी के साथ, थोड़ी सी बातें तो कर लो, समझ तो जाओ कैसे लगत हो, एक बार पूछ लेवे तो पत्नी कहीं कोई बात नहीं, धन नहीं चाहिए बस पूछ लिए बहुत बड़ी बात है। यही शब्द है भाई, यही शब्द हमें कहीं ना कहीं ऊंचा पद ले जाता है। एक 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 राजा है, सुधर्मा नाम करके एक राजा है, और सुधर्मा नाम करके राजा की एक पत्नी है, और उस पत्नी का नाम है माँ सुदेहा। आप ध्यान से सुनिए, सुधर्मा और सुदेहा, भगवान की कृपा से सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन उनके जीवन में संतान सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है, और संतान सुख नहीं होने के कारण सुधर्मा रोने लगा है कि मेरे घर में संतान नहीं है, संतान नहीं है। आंचल को जब पकड़ लो तब दिन हिचके आलो, गोदी में गिर पड़े सिर जब प्राण से कट निकले। हाँ देखिए मेरे भाई बहन, सुधर्मा के एक भी संतान नहीं, पत्नी है सुदेहा। सुदेहा एक दिन अपने पति से कहे, नाथ आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया? तो सुधर्मा कहे कि कुछ नहीं रानी, बस आँख में ना कचड़ा घुस गया तो आँख से आंसू बह पड़ा है। आप सत्य कह रहे हैं? बोले हम सत्य कह रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं पता है, कुछ तो बात है, बताइए क्या हुआ? नारी वही है जो पति के दुख को समझ जाए। तब अनायास मुख से निकल गए, रानी मैं क्या कहूँ, घर में सब कुछ है, धन है, राज है, सब कुछ है, लेकिन घर में दीप जलाने वाला बेटा नहीं है, संतान नहीं है, तो घर बड़ा खुला सा लग रहा है, घर घर नहीं लग रहा है। माताओं सत्य बात कहें आपसे, बालक अगर कोई तंग करने वाला बालक आ जाता है, किसी चीज को बार बार गिरा देता है, और माँ कहती है इसके कारण बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, ठीक है आप परेशान हैं, और कुछ दिन के लिए बालक अगर कहीं दूसरे के घर चले जाए तो घर सुना लग जाता है, और आप कहते हैं वो जो भी रहे जी घर में रहे तो बड़ा अच्छा लगे, बालक के छुमछुम की पायल की छुनकार ही हमको आनंद दे देती है। माँ सुदेहा कही एक बात बोलो ना, बोलो ना, एक काम करो ना, आप ना विवाह कर लो। कैसे विवाह करूं? तुम्हारे रहते कैसे मैं दूसर पत्नी और लेके आऊं? सुदेहा ने कहा आप पत्नी लाएंगे ना, बहन आएगी ना, तो संतान हो जाएंगे।
और संतान होंगे तो घर में दीपक जलाने वाला हो जाएगा और आपको पिता से कहने वाला होगा, हमें माँ कहेंगे। तो आप विवाह कर लो ना, किससे विवाह करूँ, और तुम्हारे रहते कैसे, एक एक के रहते दूसरे को मैं नहीं ला सकता, नहीं आपको लाना होगा। स्त्री हट और सुदेहा ने अपनी बहन से विवाह करवा दी है, उनकी बहन के नाम घुसमा, क्या नाम, घुसमा, घुसमा से विवाह करवा दिए। सुदेहा ने अपनी बहन घुसमा से कहे, बहन मेरे पति से तुम विवाह कर लो, क्यों, क्योंकि संतान नहीं हो रहे हैं ना, संतान हो जाएंगे, चलो विवाह करो, और विवाह कर लिया गया। सुधर्मा बढ़िया आनंद मंगल के साथ में घुसमा के साथ विवाह किए और अपना जीवन बिताया है। जैसे जीवन बिताए माताओं, भगवान की कृपा से घुसमा गर्भवती हो गई, गर्भ धारण कर ली और नौवा महीना में एक बालक का जन्म हुआ है। हम सब माँ के गर्भ से आए हैं। एक तरफ मल की थैली है और दूसरे में, एक तरफ मल की थैली है और दूसरे में है मोत, बिलख बिलख कर बोले छोड़ो मोहे तेरा, जीव फंसे हो जनजाल में हो माँ, जीव फंसे हो जनजाल में हो माँ। बालक जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना माताओं, एक तरफ मलकी तेरे दूजे मूत्र रहता है, और भगवान से नौवे महीने में कहता है गोविंद मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं माँ के गर्भ में अब नहीं रह सकता। बोले क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि ये कीड़ा मुझे काट रहे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रहूँ।